बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी, जो नहायत ही आसान है, आप आसानी से बना सकती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। एक पैन मैंने ले लिया, उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। अभी ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं ये लहसुन को मैंने चॉप कर लिया था, वो लहसुन डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। ये लहसुन फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर मैंने चिकन को बॉयल किया था, इसकी यखनी है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसमें कुछ भी नहीं डाला था, बिल्कुल ही मैं ये सादा पानी में समझ लें, यखनी है इसकी, नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब इसके अंदर मैं बाकी के मसाले डालूँगी। अब इसके अंदर मैंने ये नमक ऐड किया इसके अंदर, और इसके अंदर मैं डालूँगी ये चिकन जो बॉईल किया हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। चिकन डाल दिया व्यूअर्स। अब इसके अंदर मैंने ये कॉर्न बॉईल किया हुआ था, मैंने ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं। इसके साथ ही इसके अंदर मैं काली मिर्च डालूंगी। काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। अब इसके अंदर मैंने ये चाइनीज सॉल्ट है ये इसके अंदर ऐड करूंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो डालें वरना आप स्किप कर दें। इसके में आप वो भी डाल सकते हैं, चिकन क्यूब्स डाल सकते हैं आप, वो ऐड कर लें अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो। अब व्यूअर्स इसके अंदर मैं डालूंगी, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिल्ली सॉस डाला है। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी सोया सॉस भी, हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून डालेंगे। ये देखें भी बस, अब इसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुका। अब इसके अंदर मैं टमाटो केचप डाला है 1 टेबल स्पून, वो भी डालेंगे हम इसके अंदर। अब ये 10 मिनट तक पकेगा, जब पक जाए फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अंडा डालूँगी और कॉर्नफ्लोर डालूँगी और थोड़ी सी हरी प्याज है वो गार्निशिंग के लिए डालूंगी। व्यूअर्स देखें, अभी ये पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, इसको पानी में 1/2 कप पानी में डाल के अब इसको हम हल्के हाथों से डालते भी जाएंगे और चम्मच भी हिलाते जाएंगे। इसके अंदर डाल दी, इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। अब इसके अंदर मैं हरी प्याज वो डालूंगी। थोड़ी सी हरी प्याज मैंने डाले, आप चाहे तो आप ज्यादा ऐड कर सकती हैं इसमें। शिमला मिर्च डाल दें इसमें, सब्जी डालना चाहे तो आप गाजर, ये सारी सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ
जी मैंने एक अंडा लिया था, वो भी थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। चम्मच हिलाते जाएंगे। ये हमारे कॉर्न सूप तैयार हो चुके हैं। देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी और झटपट बन जाती है। फौरन आप मेहमान आ जाए तो परेशान ना हो और फौरन ये बनाकर चिकन पॉट रेडी करके रखें, फौरन बन जाता है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखा, ये देखें अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेडी है चिकन, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, हर चीज़ अपने हिसाब। आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहती हैं तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी भी बढ़ा लें, यही चीज़ को आप डबल कर लें जो जो मैंने बताया। खाने में बहुत ही टेस्टी होगी ये, सर्दियों में आप बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, हस्बैंड को खिलाएं, खुश हो जाएंगे वो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, अब मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।